हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रख सकते हैं। तो आप जैसे ईमेल अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, उसमें बोलता है यूज़र नेम रखिए, पासवर्ड रखिए। ओके, हर जगह कहीं भी इंटरनेट में आप कहीं भी अकाउंट बनाएंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए ही आप अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आम बात है, आपको लगता होगा कि इसको जानने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कुछ भी रख देता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जैसे बैंक अकाउंट है उसमें पैसा है, तो आप ऐसे ही कुछ भी अपने मन से रख दिए, आपका हैक हो जाएगा। आप बोलेंगे अरे हम तो अपना डेट ऑफ बर्थ रखे हैं, उसको तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत लोगों को पता होता है, आपको आपको ये नहीं मालूम है कि आपके डेट ऑफ बर्थ कितना लोगों को पता है। समझ गया, आपके पैन कार्ड पर होता है, आपके गवर्नमेंट को पता है, दुनिया भर का करोड़ों लोगों का आपका डेट ऑफ बर्थ पता होता है। जैसे आपका जैसे आपके बाल बच्चे हैं, मान लीजिए आपके माता पिता के नाम पे रख दिए, या अपना कोई जो खास इंसान है जिन जिन जो आपसे बहुत करीब है उनके नाम पे रख दिए, ये सबको पता होता है। तो आपको लगता है कि नहीं पता होगा किसी को, हम चुपके चुपके रख लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ अपना पर्सनल रिलेटेड नहीं रखना चाहिए। तो यही चर्चा करना चाहते हैं कि यूज़र नेम क्या रखना चाहिए, पासवर्ड क्या रखना चाहिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे यूज़र नेम के बारे में। ऊपर में मैंने लिखा है देखिए कि क्या क्या नहीं रखना चाहिए, उसके बाद लिखा है मैंने क्या क्या रखना चाहिए। नहीं वाला क्यों जानना ज़रूरी है, ये यूज़र नेम के बारे में कह रहे हैं। यूज़र नेम क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए अपना ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, तो आप अपना यूज़र नेम, बहुत लोग क्या करता है अपना नाम और अपना ईयर ऑफ बर्थ रख देगा, जैसे अमित 1985 ऐसे रख दिया। ठीक है, वो एकदम ठीक नहीं है, बहुत बेकार लगता है देखने में और प्रोफेशनल भी नहीं लगता है वो। या कुछ लोग लिख देगा मुकेश आगरा इस टाइप से, समझ गया, या सुरेश बेंगलोर ऐसे लिख देगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। जैसे ईमेल है आपका, आपका ईमेल क्या होता है, आप दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, आप दूसरे को देने के लिए होता है। तो ऐसा रखिए जो कि आसान हो, आपका नाम से ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ये नहीं कि जगह का नाम रख दिए, रोड का नाम रख दिए, वो सब ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए लिखे हैं, देखिए डेट और ईयर ऑफ बर्थ मत लिखा कीजिए, वो ठीक नहीं लगता है। और क्या है, होम टाउन सिटी, ये नहीं कि आगरा बेंगलोर ये सब लिख दिए, वो ठीक नहीं लगता है वो सब। तो ईमेल दूसरे से शेयर करने के लिए होता है। आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं और आप अपना ईमेल से शेयर करेंगे, कोई उसके आपका एक इम्प्रेशन भी जाता है आपके ईमेल के साथ, एक तरह का आपका वो नाम ही है, समझ लीजिए। ओके, फिर अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब कोई अपने पेरेंट्स का नाम रख दिया या अपने बच्चे का नाम अपने ईमेल में डाल दिए, ये सब ठीक नहीं लगता है। फिर कुछ लोग क्या होता है कि उल्टा पुल्टा जैसे एक्स वाई जेड रख दिया बीच में, वो भी एकदम ठीक नहीं लगता है। और क्या, देखिए कुछ कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे अब अपना धर्म के हिसाब से कोई 108 लिख दिया है, कोई 786 लिख दिया है, करोड़ों ईमेल आईडी होगा जिसमें 108786 होगा, तो वो बहुत ही एकदम नॉन अनप्रोफेशनल है। आप पर्सनली उसके लिए लिखें तो ठीक है, लेकिन वो ठीक लगता नहीं है। आप अननेसेसरी अपना मतलब बिना ज़रूरत के अब अपना आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिना मतलब का ये सब कर रहे हैं, जो कि आजकल की दुनिया में उतना उसका मतलब नहीं है। आप आपका धर्म है आपके अंदर के बिलीफ के लिए है, लेकिन ये नहीं कि ईमेल आईडी में ही प्रचार करना शुरू कर दिए। और आपको किसी से शेयर करेंगे तो आपको बिना मतलब का आपके प्रति वो कोई ओपिनियन बनाएगा, जो कि ज़रूरी नहीं है। आपका अपना पर्सनल चीज़ अपने पास रखना चाहिए, जैसे कोई 1 2 3 रख देता है, 100 रख दिया, ये सब भी एकदम आम तौर पे यूज़ होने वाला नंबर है। ये बेसिकली ईमेल समझिए कि आपका एक तरह का नाम है, तो आप अच्छा नाम रखना चाहेंगे, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए। फिर कुछ लोग अनकॉमन वर्ड वगैरह रख लिए, जैसे किसी का कोई आसपास का कोई जगह का नाम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, वो रख दिया, जैसे मान लीजिए कोई अंडमान रख दिया, तो ये सब ठीक नहीं है, बड़ा अजीब टाइप का लगता है और एक तरह से हास्यास्पद हो जाता है, तो इसलिए नहीं रखना चाहिए। ईमेल आईडी आप बार बार तो नहीं बनाते, एक बार बनाते हैं, बहुत लोग शेयर करते हैं, इसलिए आपका उसके साथ नाम की तरह जुड़ा हुआ है, आप ये नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कोई मजाक हो। ओके, या कोई आपके प्रति उसका ओपिनियन बना ले, वो भी ठीक नहीं है। एक नाम है एकदम न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए, आपका नाम टाइप का होना चाहिए, ताकि उससे कुछ इमोशन ना जाए आपके ईमेल आईडी के साथ, सिर्फ एक नाम की तरह रहे। तो करना क्या चाहिए, डूज में मैंने लिखा देखिए कि अच्छा क्या होता है, जैसे सबसे पहले कि फुल नेम अगर आपका मिल जाता है ईमेल में तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका नाम है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
वो मिल गया तो बहुत अच्छा है। कभी उसको डॉट वगैरह लगा दिए, जैसे मान लीजिए है कि किसी का नाम है, मान लीजिए अमित सिंह, तो अगर अमित सिंह मिल गया तो ठीक है, या अमित डॉट, लास्ट वाला देखिए डॉट है पॉइंट, तो अमित डॉट सिंह हो गया तो वो भी अच्छी बात है। या अगर मान लीजिए अमित डॉट सिंह नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा नाम तो कॉमन होता है इंडिया में, तो क्या कर सकते हैं कि अमित डॉट सिंह नहीं मिल रहा है तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर भी डाल सकते हैं, जैसे अमित डॉट सिंह AS ऐसे लिख दिए, तो इस तरह करके थोड़ा कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं, या अमित डॉट सिंह SI, सिंह का फर्स्ट दो नेम, ऐसे करके कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा। ओके, तो ये हुआ यूज़र नेम के बारे में। हम आगे और एग्जांपल भी दिखाएंगे कि कैसा यूज़र नेम अच्छा लगेगा देखने। और नेक्स्ट देखिए क्या है पासवर्ड के बारे में। इसमें भी देखिए पहले मैंने लिखा है कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों लिखे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपका पासवर्ड आसानी से, मतलब लाखों लोगों का पासवर्ड आसानी से हैक हो सकता है, और जब भी कोई बैंक अकाउंट हैक होता है या ईमेल वगैरह हैक होता है, तो सबका, लाखों लाखों लोगों का अकाउंट हैक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अपना होम टाउन सिटी वगैरह मत डाला कीजिए, क्योंकि ये सबको पता होता है आपके बारे में, आपका इन्फॉर्मेशन दुनिया भर में हर जगह होता है, आपका पैन कार्ड में होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, आपके आसपास के हज़ारों लोगों को आपका ये सब चीज़ पता होता है, तो आसपास के लोग भी आपका अकाउंट हैक कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास के लोग आपका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, आपका धर्म जानते हैं, आपका टाउन सिटी रोड ऑफकोर्स सब वो सब जानते ही हैं, फिर आपके आसपास के लोग आपके बाल बच्चे हैं मान लीजिए, आपको कोई पेट है, कोई कुत्ता पाल के रखा है, कुत्ता का नाम रख दिया, कुत्ता का नाम पासवर्ड में भी डाल दिया, ये सब एकदम ठीक नहीं है। ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका पासवर्ड हैक होने के बाद आपका बहुत सारा पैसा जा सकता है, या आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई जान सकता है, तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी, जो कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, अगर आपकी ईमेल में है कोई हैक कर लिया, तो आपका बहुत सारा, आपका इज्जत की बात हो सकती है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पासवर्ड वगैरह को बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए ऐसा रखना चाहिए ताकि किसी को ना पता चले, इवन घर में भी किसी को ना पता चले, ऐसा रखना चाहिए पासवर्ड, ताकि आप जिसको बताएं सिर्फ उसी को मालूम हो, उसके अलावे किसी को भी पता ही ना चले कि आपका पासवर्ड क्या है, इवन घर में भी, क्योंकि घर में भी अगर आपके सगे संबंधी जो बहुत क्लोज़ हैं, अगर उनको पता चल गया, और आपके पर्सनल कुछ ऐसा चीज़ जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, आपके ईमेल में हो सकता है, या आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है कि आप अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र किए हैं, कोई पर्सनल आदमी है जिसके बारे में आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, और तो बैंक अकाउंट से आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए वो पैसा आपका नहीं निकालेगा, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। आपको आपका पासवर्ड एक तरह से आपका इज्जत की तरह होता है, जैसे आपका यूज़र नेम आपका नाम की तरह होता है, पासवर्ड आपका इज्जत के जैसा होता है, तो उसको बहुत सेंसिटिव होता है, उसको ढंग से रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या रखना चाहिए, देखिए एक्रोनिम वगैरह रख सकते हैं, जो कि किसी को समझ में ही ना आए, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर ले लिए, तो एक तरह से ये भी ठीक ठाक, उतना भी सिक्योर नहीं है, लेकिन एक काफ़ी काम करेगा बहुत जगह। या क्या कर सकते हैं कि पहला नाम का लेटर, फिर पहला रोड का नाम का लेटर, जैसे मान लीजिए नाम ए से शुरू होता है, तो ए रख लिए, और रोड का नाम मान लीजिए के से शुरू हो रहा है, तो रख दिए ए के, तो ए और के, ऐसे गेस करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसमें स्मॉल लेटर और बड़ा लेटर कर दीजिएगा तो भयानक मुश्किल हो जाएगा, कोई गेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल रख सकते हैं, जैसे ये सब स्पेशल सिंबल है, पहला वाला एक्सक्लेमेशन है, दूसरा वाला एट द रेट है, तीसरा वाला हैश है, फिर डॉलर का साइन है, फिर परसेंटेज है, ये सब सिंबल तो कोई आपके बारे में गेस कर ही नहीं सकता है, हम बताएंगे उसका ट्रिक अभी, देखिए एक दो। तीसरा क्या है, फ़नी बट क्रिप्टिक वर्ड, मतलब ऐसा चीज़ जो आपको आसानी से याद रहे, फ़नी हो और लेकिन क्रिप्टिक हो, मतलब क्रिप्टिक मतलब क्या होता है कि गूढ़, मतलब कि जो जल्दी किसी को पता ना चले, लेकिन फिर भी आपको अपने मन में पता होगा, जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ जो बहुत मजाक टाइप का है, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंसिडेंट है जिसके बारे में आप कोई हमेशा याद रहता है, और उससे रिलेटेड आपको कोई वर्ड याद है, तो उसको आप डाल सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा वो बात, क्योंकि वो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत शायद ही किसी को पता होगा वो बात। ठीक है, और आपके लाइफ में हज़ारों ऐसा सिचुएशन आता है, तो एक कोई खास उसको ले लीजिए, ताकि कोई केस भी ना कर पाए। ओके, एग्जाम्पल हम दिखाएंगे आपको कैसे कैसे, और ट्रिक भी देते हैं दो तीन, देखिए
यूज़र नेम तो पहले ही बता दिए हैं कि सबसे अच्छा यूज़र नेम क्या होता है, कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बीच में डॉट डाल दीजिए, या एक दो लेटर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमित सिंह है, तो नहीं मिल रहा है तो अमित के बदले AAMITT कर दिए, ऐसे कर सकते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कॉलेज का नाम डाल देते हैं बीच में, वो भी ठीक है क्योंकि वो प्रोफेशनल है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई डालता है अमित सिंह IIT या अमित सिंह, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, तो शॉर्ट फॉर्म डाल दिए, वो सब ठीक है। ये नहीं कि रोड का नाम डाल दिए, वो सब ठीक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं। या नहीं मिल रहा है आपको, कॉलेज का नाम नहीं डालना है, तो आप क्या करिए, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम का पहला दो लेटर ले लीजिए, जैसे AS या SS, या फर्स्ट नेम का भी ये दो लेटर, जैसे AM, वो सब कर सकते हैं। तो उतना मुश्किल नहीं होगा लोगों को याद रखना, क्योंकि फर्स्ट नेम आपका नाम के जैसा है, तो लोगों को याद रखना चाहिए। और ये यूज़र नेम सिर्फ ईमेल के लिए नहीं, हम बैंक अकाउंट के लिए ही बता रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में तो ईमेल पूरा नहीं डालते हैं, लेकिन नाम डालते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल ही रखना चाहिए, उतना उटपटांग नहीं रखना चाहिए, ठीक है? दूसरा देखिए क्या है, पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड एकदम सीक्रेट होता है, आप क्या समझिए, इज्जत के जैसा है, तो उसको इतना सीक्रेट रखना चाहिए ताकि किसी को भी ना पता चले। लेकिन अब इतना मुश्किल रख देंगे तो आपको खुद को भी याद नहीं रहेगा, वो मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम ट्रिक दिए दो तीन। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वाला पासवर्ड देखिए क्या लिखे हैं, देखिए GC+AS> का साइन, तो कैसे आया मेरे पास, देखिए हम क्या किए हैं। देखिए मान लीजिए पहला वाला यूज़र नेम है किसी का amit.singh@gmail.com, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए कि gmail.com है ये, तो gmail का g लिख दिए और डॉट दे दिए और कॉम का c दे दिए, देखिए। लेकिन g कैपिटल कर दी, c को स्मॉल कर दिए, अब g को स्मॉल, c को कैपिटल कर सकते हैं, ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं। फिर प्लस दे दिए, प्लस आपको याद रहेगा, आपको प्लस के बदले माइनस डालना है तो माइनस डाल दीजिए, कुछ ऐसा सिंबल डाल दीजिए। फिर AS लिख दिए, AS क्या है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है? और फिर ग्रेटर देन दे दिए, बोले ग्रेटर देन कैसे याद रहेगा। तो जितना भी स्पेशल सिंबल है उसका कुछ नाम होता है, ठीक है? तो उसको नाम को आप एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे gmail.com है, तो जीमेल तो जी से शुरू होता है, और ग्रेटर देन भी जी से शुरू होता है, तो आप ग्रेटर देन डाल दीजिए। तो ये एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि आप यही यूज़ कर लीजिए जाके, ये हम आपको एक ट्रिक बताएं कि ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए SBI का अकाउंट है, तो आप उसमें S है, तो S से कौन सा सिंबल होता है, देखिए S से होता है सब्ट्रैक्ट माइनस, तो आप माइनस डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट में ही डाल सकते हैं, शुरू में डाल दीजिए, बीच में कहीं डाल दीजिए, ताकि किसी को पता ही ना चले, ठीक है? फिर दूसरा क्या देखें, देखिए क्या है, G1.C2, तो ये सेकेंड वाला पहले वाला जैसा ही है, लेकिन इसमें दो नंबर भी डाल दिए, जैसे जी के बाद 1 डाल दी, डॉट सी के बाद 2 डाल दी। अब ऐसा नहीं कि आप 1 2 ही डालिए, आप कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ ही डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, ये तो वो ठीक नहीं है, गेस करना आसान हो जाता है, ठीक है? उसी तरह थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला जो है M.C+SH*, ये भी वही किए हैं, सेम ट्रिक लगाए हैं। देखिए क्या किए हैं, एम क्या है, सेकेंड वाला जो ईमेल आईडी है, देखिए saurabh.shrestha@msn.com, तो MSN का M हो गया कैपिटल, फिर डॉट डाल दिए, C हो गया कॉम का C, जो कि स्मॉल लेटर में है, आप कैपिटल स्मॉल ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि MSN के लिए MC हो गया, जीमेल के लिए G.C हो गया, ऐसा आप पासवर्ड कर सकते हैं। प्लस डाल दिए, आप प्लस के बदले कुछ और अपना फेवरेट आपका कुछ सिंबल है तो वो डाल सकते हैं। फिर SH क्या है, आप जैसे देखिए लास्ट नेम का दो लेटर है, श्रेष्ठ का जो शुरू हो रहा है SH हो रहा है, इसलिए SH डाल दिए, तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम का दो लेटर, फर्स्ट नेम का दो लेटर, फर्स्ट नेम का लास्ट दो लेटर, या बीच का दो लेटर, ऐसे डाल सकते हैं। तो ये नहीं कि पूरा नाम मत डालिए, पूरा नाम कोई गेस कर सकता है, लेकिन आप बीच का कोई भी दो लेटर ऐसे ले लीजिएगा, तीन लेटर, तो गेस करना बहुत मुश्किल है, समझ गए? आपका अगर आपका नाम चार लेटर का, तो चार लेटर तो नहीं डालिएगा, उसमें से कोई दो चुन लीजिए, जैसे अमित है तो AM डाल दिए, MI डाल दिए, या AT डाल दिए, ऐसे करके डाल सकते हैं। तो ये किसी को गेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ गया? फिर देखिए स्टार डाल दिए, स्टार क्यों डालें, क्योंकि ये MSN.com जो है तो M से शुरू होता है, स्टार जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है कंप्यूटर में, तो मल्टीप्लाई भी M से शुरू होता है, तो M के बदले स्टार डाल दिए, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक हो गया। अब इसको किसी को गेस करना मुश्किल है। जब स्टार लास्ट में डालें, आप स्टार को बीच में कहीं डाल दीजिए, तब तो मतलब कोई चांस ही नहीं कोई गेस कर पाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि अरे MSN है तो M.C हो गया, और नंबर डाल सकते हैं M0C1 कर दिए,
फिर स्टार डाल दिए, फिर एस एच कर दिए क्योंकि मेरा लास्ट नेम दो एस एच से शुरू होता है, या फिर एस एच के बदले एस ए डाल दिए क्योंकि शुरू का नाम का दो लेटर ऐसे है, या तीन लेटर डाल दिए, ऐसे कर दिए। तो ये देखिए छोटा ही पासवर्ड है लेकिन ये बहुत ही क्रिप्टिक है, मतलब बहुत ही गूढ़ है, ये सिर्फ आप ही को पता रहेगा, किसी को गेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड कैसा रखना चाहिए। आप एक दो मतलब आपके भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी मन में कुछ दो तीन ट्रिक हो, तो हो सकता है कि आपको इसमें से भी कुछ मदद मिल जाए। यही इस वीडियो का मकसद है कि आपको वीडियो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने में मदद हो। यूज़र नेम याद रखिए, यूज़र नेम आपका नाम के जैसा है, वैसा रखिए ताकि आप दूसरे को बता सकें। ठीक है, तो सुंदर होना चाहिए, और रोड का नाम या 108 ये सब मत रखिए, रखिए ये सब ठीक नहीं लगता है। और पासवर्ड होता है जैसे आपका पर्सनल चीज़, आपकी इज्जत के जैसा, आप किसी को नहीं बताना चाहते, तो इसलिए ऐसा रखिए कि ताकि किसी को भी ना पता चले, आपके परिवार में भी किसी को ना पता चले, ऐसा पासवर्ड रखिए, समझ गया, ताकि आपका आपका जो पर्सनल चीज़ है वो आप ही के पास रहे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।